जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद न हो सका। कुत्ते के काटने के वाकयात में कोई कमी न आ सकी। रोजाना 4 से 5 अफराद को कुत्ते के काटने की वजह से सिविल अस्पताल में लाया जाता है। मजीद तफसीला से आगाह करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमरकोट वकास खान यूसुफजई। जी वकास खान यूसुफजई, तफसीला से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुत्ते के काटने से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग शहरी मुतासर होने लगे। कुत्ते के काटने के वाकयात सबसे ज्यादा देहाती इलाकों में पेश आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में कुत्ते काटने की वैक्सीन तो दस्तयाब है, लेकिन कुत्तों को तलब करने के लिए इंतजामिया किसी तरह तैयार नहीं है। हमारे पास जो डग बाइट के केसेस हैं वो मार्च के महीने में 172 केस जो न्यू केसेस आए हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि 20-25 वो मिला के उसमें जो फॉलो अप के भी केसेस आ जाते हैं तो उसमें को मिला के तो इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन जो न्यू केसेस हमारे पास हैं मार्च के महीने में आए हैं वो 172 केसेस आए हैं डग बाइट के। और हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, हम उनको वैक्सीनेट करते हैं। जो लोग आते हैं उनको 4 डोज लगते हैं 5 वैक्सीन के मुख्तलिफ डेज में। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं हमारे पास केसेस, और छाछरों के जो तालका है उसके केसेस भी जो अमरपुर के नज़दीक होते हैं वो भी आ रहे हैं। डायली तलके के भी जो नज़दीक इलाके हैं वहाँ से आ रहे हैं। इस तरह से काफ़ी मतलब डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं हमारे पास।